आज मार्केट में लिथियम बैटरी काफी पॉपुलर हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसके फीचर और इसकी लाइफ। जहां पर लेड एसिड बैटरी को लगभग 5 साल की वारंटी के साथ में मिलती है, वहीं लिथियम बैटरी आपको 10 साल तक की वारंटी के साथ में भी मिल जाती है। तो इसीलिए ये बैटरी इतनी पॉपुलर हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ रही है कि इस बैटरी को सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर मार्केट में बहुत ही कम है। तो लोगों को नहीं पता कि कौन सा इन्वर्टर लिथियम बैटरी के लिए लेना चाहिए, और या उन्होंने पहले इन्वर्टर ले लिया है तो लिथियम बैटरी अब उन्हें कहाँ से लेनी चाहिए। तो ये सभी बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथियम बैटरी के सोलर इन्वर्टर के बारे में, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली लिथियम बैटरी को लगा सकते हैं, चाहे किसी कंपनी की हो। तो यहाँ पर मार्केट में काफी कम इन्वर्टर ही ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली लिथियम बैटरी को सपोर्ट करते हो। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर जो मार्केट में आ रहे हैं, वही लिथियम बैटरी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन का फीचर है वो बहुत बढ़िया दिया गया है। उसके अंदर जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वोल्टेज रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, या यूं कहें कि बैटरी के अनुसार। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग वोल्टेज अलग होती है लिथियम बैटरी से, इसीलिए हम लिथियम बैटरी को लेड एसिड बैटरी सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर पर नहीं लगा पाते हैं। और अगर आप लगा भी देते हैं तो आपको उतना बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि ना ही तो बैटरी फुल्ली चार्ज होगी ना ही बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज होगी। इसीलिए आप कभी भी लिथियम बैटरी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर ना लगाएं। आप सबसे पहले देखें कि वो इन्वर्टर सपोर्ट करता है या नहीं। तो जैसे कि हमने बताया, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जो है वो लिथियम बैटरी को बड़े ही आराम से सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है वो आपको इंपोर्टेड आइटम ही मिलेंगे, यानी कि इंडिया के अंदर वो नहीं बनते हैं, बाहर से ही अभी आ रहे हैं, इसीलिए वो काफी कॉस्टली पड़ते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो फ्लिन एनर्जी के अंदर आपको 1 kVA का ट्रांसफार्मर लेस जो इन्वर्टर देखने को मिलता है वो 26,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इंडियन ब्रांड का कोई भी इन्वर्टर लेते हैं जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट करे, वो आपको इतने रुपए में ज्यादा कैपेसिटी का मिल जाएगा, जिसके बारे में आगे हम बताने भी वाले हैं। तो अगर आपका बजट अच्छा है देन आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ले सकते हैं, और पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है या नहीं। मोस्टली कर लेते हैं, तो जो इन्वर्टर लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है वही आप खरीदें। दूसरा यहाँ पर है इंडियन ब्रांड के, तो यहाँ पर इंडियन ब्रांड की बात करूं तो स्मार्टन कंपनी का जो स्मार्टन सुपर MPPT इनका इन्वर्टर आता है जो कि लेड एसिड बैटरी को ही सपोर्ट करता है, वो अभी लिथियम बैटरी को सपोर्ट करने वाला भी मार्केट में आ गया है, जो कि आपको मिलेगा लगभग 16,000 रुपए में। जो इनका पहले वाला इन्वर्टर था वो आपको लगभग 14,000 में मिल जाता था, लेकिन ये लिथियम को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसकी जो कीमत है वो एक्चुअल में बढ़ाई गई है, क्योंकि लिथियम बैटरी के इन्वर्टर मार्केट में नहीं है तो इतना कंपटीशन नहीं है, इसीलिए आपको जो अभी इसके इन्वर्टर मिल रहे हैं वो आपको थोड़े कॉस्टली पड़ने वाले हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपको सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे और कंपनियां भी ये इन्वर्टर बनाना शुरू करेंगी। तो अगर आप ये स्मार्ट कंपनी वाला लेना चाहते हैं देन आप ये भी ले सकते हैं, और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम पहले वाले की जैसी ही है। इसके ऊपर आप 1800 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं, लगभग 2 किलोवाट का लोड चला सकते हैं, और जो VOC रेंज है वह 85 वोल्ट है। लेकिन जो लिथियम बैटरियां होती है उनके इन्वर्टर की VOC रेंज हमेशा हाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लिथियम बैटरियां हैं वो आपको लगभग 48 वोल्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं देन ये ले सकते हैं। दूसरी कंपनी का बात करें तो नेक्सस कंपनी के अंदर भी आपको कई लिथियम बैटरी को सपोर्ट करने वाले इन्वर्टर मिल जाते हैं। तो नेक्सस कंपनी के अंदर जो 1 kVA का मॉडल आता है वो आपको लगभग 17,000 में मिल जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर वाला है तो इसकी इफिशियंसी ट्रांसफार्मर लेस से कम होती है। जो ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप 1 kVA का इन्वर्टर लेते हैं तो उसके ऊपर आप लगभग 1 kW तक का भी लोड चला सकते हैं 1 kVA वाले इन्वर्टर के ऊपर, लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होता है उसकी इफिशियंसी थोड़ी सी कम होती है, तो आप उसके ऊपर लगभग 800 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी प्राइस है वो देखेंगे कि लगभग 17,000 में आपको लिथियम बैटरी सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर मिल जाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो नेक्सस कंपनी से ये भी ले सकते हैं। नेक्सस कंपनी के अंदर 2500 VA लोड कैपेसिटी वाला भी इन्वर्टर आता है, वो आपको मिलेगा लगभग 38,000 रुपए में, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास में पहला ऑप्शन था जिसके अंदर आप इन्वर्टर ऐसा लेंगे जो लिथियम बैटरी को सपोर्ट करे। अब बात करते हैं इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले इन्वर्टर के बारे में। आपको मार्केट के अंदर कई इन्वर्टर मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको इनबिल्ट लिथियम बैटरी मिलती है, और रिसेंटली लुमिनस कंपनी ने भी अपना लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है। तो जो लुमिनस कंपनी का इनबिल्ट बैटरी वाला इन्वर्टर अभी मार्केट में आया है, हालांकि सभी जगह ये नहीं मिल रहा है और इसकी प्राइसिंग वो भी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लिथियम बैटरी मिलेगी, इसके कारण इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 10 साल की वारंटी मिलती है। लेकिन इनमें दिक्कत यह है कि आप इन फ्यूचर अगर कंट्रोलर लगाकर इनके ऊपर पैनल लगाना चाहते हैं तो वो काम इनके साथ में नहीं होगा। तो इन इन्वर्टर को खरीदने से पहले ये देख लें कि आप इनके ऊपर पैनल कैसे लगाएंगे। अगर आप इन फ्यूचर सोलर सिस्टम लगाना चाहते
चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको इन बिल्ट लिथियम बैटरी वाले सोलर पीसीयू भी मिल जाते हैं। अर्बन ऊर्जा जो वेबसाइट है उन्हीं की ब्रांड है, उन्हीं के नाम से आपको 1 KVA का एक इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाला सोलर पीसीयू देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आप 1200 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं। और जो उसकी वीओसी रेंज है वो बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि उसकी वीओसी रेंज है 180 वोल्ट। जैसा कि मैंने पहले बताया था, लिथियम बैटरी वाले सोलर पीसीयू की वीओसी रेंज हमेशा हाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। हालांकि हर कोई 48 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी का उपयोग नहीं करता है, जो भी करता है उसके इन्वर्टर की ही वीओसी आपको इतनी ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके अंदर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज किया जाता है। जितनी हाई वीओसी आपको मिलती है उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। ये इन्वर्टर 1 KVA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और ये आपको मिलेगा ऑनलाइन 31,500 रुपए में। तो जिसका इतना बजट है वो इसको ले सकता है। हालांकि अगर आप इसकी जगह लेड एसिड बैटरी के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप यूटेल गामा 1 KVA का जो एमपीपीटी मॉडल है वो ले सकते हैं और एक बैटरी ले सकते हैं, जो कि आपको लगभग 25,000 रुपए में पड़ेगा, क्योंकि जो सोलर बैटरी है वो आपको लगभग 15,000 रुपए में मिलती है। हालांकि 14,000-13,000 अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन अगर बढ़िया कंपनी का और बढ़िया बैटरी की बात करें तो लगभग 15,000 रुपए में आपको मिल जाती है, और इन्वर्टर की बात करें तो लगभग 8,000-9,000 रुपए में मिल जाता है। तो मोटा मोटी जो आपका खर्चा आएगा वो लगभग 25,000 रुपए आ जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर 6,000 और इन्वेस्ट कर देते हैं, देन आपका जो सिस्टम है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जो बैटरी है उसकी मेंटेनेंस की टेंशन आप खत्म हो जाती है, और जो उसकी वारंटी है वो भी आपको काफी लंबी मिलेगी। अर्बन ऊर्जा वाला जो सोलर पीसीयू है जो लिथियम बैटरी साथ में आता है, हालांकि इसके ऊपर आपको 2 साल की ही वारंटी मिलती है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो लगभग 20 साल तक बताई जाती है। हालांकि जो लिथियम बैटरी है वो लगभग 15 साल तक आराम से चल जाती है, इन्वर्टर में वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आपका जो सिस्टम है लिथियम बैटरी के साथ में लगभग 20 साल तक आराम से चल जाता है। और अगर आप इससे बड़े मॉडल की तरफ जाते हैं तो अर्बन ऊर्जा के अंदर 2 KVA का भी मॉडल आता है, जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, और वो मॉडल आपको मिलेगा लगभग 32,000 रुपए में। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो 32,000 रुपए में आपको आप ये भी ले सकते हैं। हालांकि इसके अंदर आपको लिथियम बैटरी नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी। और अगर आप इसकी बजाय स्मार्टन कंपनी वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, जो कि इसकी हाफ प्राइस के अंदर मिलता है और इससे थोड़ी सी ज्यादा ही लोड कैपेसिटी के साथ में आता है। लेकिन अर्बन ऊर्जा वाला जो सोलर पीसीयू है इसके अंदर आपको 180 वोल्ट की वीओसी रेंज देखने को मिलती है और 2 किलो वोल्ट तक के आप पैनल भी लगा सकते हैं, जो ये दोनों ही चीजें आपको स्मार्टन वाले में नहीं मिलेगी। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो अगर आप इतना पैसा अपने इन्वर्टर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन आप अर्बन ऊर्जा वाला भी ले सकते हैं। और अर्बन ऊर्जा ब्रांड के अंदर ही आपको 4 KVA का भी लिथियम बैटरी वाला सोलर पीसीयू मिल जाता है, जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, और वो आपको मिलेगा लगभग 43,000 रुपए में, जिसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसकी वीओसी रेंज की बात करें तो 190 वोल्ट की वीओसी रेंज आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं 5 KVA का सिस्टम, तो अर्बन ऊर्जा के अंदर 5 KVA का भी मॉडल आता है, जिसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं, और वीओसी फिर से वही 190 वोल्ट रहने वाली है, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है लिथियम वाले अर्बन ऊर्जा वाले, ये 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनके अंदर अच्छी वीओसी रेंज देखने को मिल रही है। और 5 किलोवाट तक के आप पैनल भी लगा सकते हैं, और जो इसकी प्राइस है वो 50,000 रुपए है। हालांकि मार्केट में आपको 5 KVA के एमपीपीटी जो इन्वर्टर है वो इसी प्राइस रेंज के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आप लिथियम बैटरी वाला लेना चाहते हैं तो इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी इंडिया के अंदर काफी कंपनियां हैं जो कि लिथियम बैटरी के साथ में और लिथियम बैटरी सपोर्ट करने वाले सोलर पीसीयू बनाती है। अगर ऐसी कंपनियों को जानते हैं तो उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।